हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी वंदिता। आज की वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइन बताने वाली हूँ कैसा बनेगा। इंडिया में हम लोग इसको करेला डिज़ाइन बोलते हैं, आपको पता भी होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कमिंग अप जो वीडियो होगी मेरी वो पैटर्न भी दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिसको भी कोई क्वेरी होती है, कोई जानना चाहता है, जो जिन्हें कोई परेशानी है या फिर जो स्पेशली डिमांड से मेरे को डिज़ाइन पूछना चाहते हैं जो नहीं बन रहा हो, आप वो भी मेरे से ले मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप ये डिज़ाइन चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कैसे बनेगा, तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। ओके, तो चलो डिज़ाइन शुरू करते हैं। आज मैं ये क्रीम कलर की वूल लूँगी और 6 नंबर क्रोशे। आप कोई भी वूल ले सकते हैं और भी इससे बारीक या इससे मोटी, लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा बारीक ऊन में ही अच्छा लगेगा, तो आप थोड़ा पतली ऊन ही लें। कलर आप कोई भी ले लें। आज एक छोटी सी टिप देती हूँ इस वीडियो में कि जब आप पहली बार कोई डिज़ाइन बना रहे हैं जिसका इतना नॉलेज नहीं है या पता नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, तो जब आप चेन शुरू करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा धागा छोड़ दें। इसका रीज़न ये है कि बाय चांस हमारी चेन कम रह जाती है लास्ट में, और पैटर्न हम कुछ कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको सारा नहीं उधेड़ना पड़ेगा। हम लास्ट में एक चेन इसी से बना सकते हैं, 1, 2, 3 जितनी भी चाहें। आपने देखा मैंने कैसे इसको ट्विस्ट करके स्टार्ट किया, फिर से देखिए ऐसे। मेरी लास्ट वीडियोज़ में भी ये बहुत बार मैंने दिखाया है। तो चेन बनाने शुरू करते हैं। मैं यहाँ 31 चेन्स बनाऊंगी पैटर्न के लिए और एक चेन एक्स्ट्रा दूंगी स्टार्ट करने के लिए। तो मैं 31 चेन बना लेती हूँ। ये मैंने यहाँ 31 चेन्स बना ली हैं। इस चेन को आप थोड़ा लूज ही बनाएं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, चाहे पैटर्न कोई भी हो, बहुत ज़्यादा टाइट चेन नहीं बनाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चेन लिया मैंने स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ हम एक बेसिक डबल क्रोशे लाइन बनाएंगे। पहला स्टिच छोड़ देंगे, दूसरे से शुरू करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, हर चेन से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड डबल क्रोशे, ऐसे ही हम ये पूरी रो डबल क्रोशे से बना लेंगे। ठीक, मैंने कंप्लीट कर लिया, लास्ट का मेरा रह गया। एक चेन करेंगे और नेक्स्ट जो है हमें सेम चाहिए, पहले से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम चाहिए डबल क्रोशे लाइन। जो मेरी वीडियो पहले भी देख चुके हैं, मैंने पहले ही बताया है, इसको हम बेसिक डबल क्रोशे लाइन बोलते हैं, तो उसी को हम रिपीट करेंगे। आप चाहें तो डिज़ाइन चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी दोनों डबल क्रोशे वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब एक चेन बनाएंगे और अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। पहली चेन से डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे। ये साइड बॉर्डर है हमारा, आप इस अपनी इच्छा पे इससे 2, 3, 4 जितना भी चौड़ा या पतला बॉर्डर ले सकते हैं। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हम लोग डबल क्रोशे बनाएंगे और एक और डबल क्रोशे सेम चेन से एक और बनाएंगे। ओके, फिर से चेन 2 बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रॉम द सेम चेन, ऐसे
चेन टू बनाएंगे, टू चेन स्किप करेंगे, थर्ड में टू डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन टू, टू चेन स्किप करेंगे, फिर से वही बनाएंगे, लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे। मैंने ये पूरी बना ली है अपनी रो। लास्ट में मेरे पास, ये हमारे पास फोर बचती हैं चेन्स। कोई बात नहीं, हमने टू चेन्स बनाई, टू स्किप की और टू डबल क्रोशे अलग अलग चेन से बना दिए। एक चेन बनाई और ये कुछ ऐसा दिखेगा। टर्न ओवर करेंगे, पहली चेन से पहला डबल क्रोशे, सेकंड चेन से सेकंड डबल क्रोशे। ये बॉर्डर जो है ये ऊपर तक बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। अब हम यहाँ पे चेन टू बनाएंगे। अब इन दोनों डबल क्रोशे के बीच से हम टू डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब कोई चेन नहीं बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच से हम फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। फिर से कोई चेन नहीं बनाएंगे और टू डबल क्रोशे इन दोनों के बीच से बनाएंगे। वन एंड टू। कोई चेन नहीं बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे। वन सेम उसी में से, टू थ्री एंड फाइव। पहले हमने इसमें से दो बनाए, बिना चेन के हमने ये फाइव डबल क्रोशे बनाए, बिना चेन के ही हमने ये बीच का बनाया। और ये वाली लाइन बिना चेन के ही बनेगी। बस स्टार्टिंग में जब हम बॉर्डर से डिजाइन तक आएंगे तो टू चेन्स बनाएंगे, लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट में मेरा ये जो ट्री है या करेला है ये लास्ट में आ गया है, इसके बाद सीधा बॉर्डर है। तो अब हम, जब हमारी स्टार्टिंग या एंड इस लाइन से होगा हम तभी चेन बनाएंगे। अगर हमारा एंड इसके साथ हो रहा है तो हम उसमें चेन नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैंने ये 34 चेन्स ली हैं, ताकि 31 चेन्स ली है ताकि मेरा एक लास्ट में और आपको बता सकूं कि अगर आप लोगों का लास्ट में आ जाता है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ चेन बिल्कुल नहीं देनी है और बिना चेन के ये बॉर्डर हम बना लेंगे थर्ड डबल क्रोशे। एक चेन लेंगे, टर्न ओवर करेंगे, फिर से वही थ्री डबल क्रोशे हम लोग प्लेन बनाएंगे। शुरू में चेन वन करना कभी मत भूलें किसी भी पैटर्न में। सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे। अब हमारे यहाँ से ये जो हमारे डबल क्रोशे थे फाइव, इनको हम घटाना शुरू कर देंगे और अब ये इस रो में फोर हो जाएंगे। तो अब हम एक चेन बनाएंगे और ना तो इसके ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके बीच से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकेंड डबल क्रोशे इन दोनों के बीच से, थर्ड डबल क्रोशे इन दोनों के बीच से और फोर्थ डबल क्रोशे इन दोनों के बीच से। ऐसे तो ये हमने फाइव के फोर कर दिए। ओके,
चेन वन बनाएंगे, ये हमारा ऐसे ही चलता जाएगा ऊपर तक जब तक हमारा ये ट्री कंप्लीट ना हो जाए। टू डबल क्रोशे, चेन वन, फिर से हम लोग यहाँ डबल क्रोशे घटा देंगे तो फाइव के फोर करने हैं, तो इसके बीच से हमने वन डबल क्रोशे लिया, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे एंड फोर्थ डबल क्रोशे। इन फर्स्ट रो वी मेड फाइव डबल क्रोशे, इन दिस रो वी आर मेकिंग फोर डबल क्रोशे। चेन वन, इसमें से हम फिर से वही टू डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन वन, और इन दोनों में भी हम वैसे ही कर लेंगे। लास्ट में फिर वही, यहाँ मैंने एक चेन बना ली जैसे हमने टू चेन्स के साथ स्टार्ट किया था, यहाँ लास्ट में भी हम टू चेन्स बनाएंगे और बॉर्डर बना देंगे अपना टू डबल क्रोशेस। चेन वन, टर्न ओवर, और ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा लगने लगा है। बॉर्डर बनाएंगे डबल क्रोशे से, चेन टू, टू डबल क्रोशे फ्रॉम द सेम स्पेस। अब हम यहां टू चेन्स बनाएंगे, वन टू, और पिछली बार की तरह फोर के थ्री कर देंगे। इसके बीच से लेंगे, पहले हमने इस लाइन में हमने एक चेन ली थी, एक घटाया था, यहाँ एक और घटा रहे हैं और दो चेन कर दी है। टू एंड लास्ट थ्री, चेन टू करेंगे, ये सेम रिपीट होगा, टू डबल क्रोशे, चेन टू, थ्री डबल क्रोशे हम यहां बनाएंगे, चेन टू, और ऐसे ही लास्ट तक करेंगे। यहां लास्ट में हमारा थ्री डबल क्रोशे का बॉर्डर चल रहा है और लास्ट में डिजाइन है, तो यहां हम सिर्फ एक सिंगल चेन बनाएंगे और अपना बॉर्डर बना लेंगे, यहाँ डबल चेन नहीं देंगे, थ्री डबल क्रोशे से बॉर्डर बना लेंगे। चेन वन, और ये डिजाइन हमारा ऐसा बनता जा रहा है। टर्न ओवर करेंगे, फिर से वही बॉर्डर बना लेंगे, चेन, अब यहां चेन टू करेंगे और यहां अब हमारे टू डबल क्रोशे बन जाएंगे। हमने फाइव किए, फोर किए, थ्री किए एंड टू लास्ट में। चेन टू करेंगे और ये सेम चलेगा, चेन टू, यहां भी हम टू कर देंगे, थ्री का टू करना है हमें, टू डबल क्रोशे, चेन टू, और ये हम एंड तक ऐसे ही करें। यहां हमारा, मैंने टर्न ओवर कर लिया है, यहाँ हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। यहाँ हमने घटा दिए जितने घटाने थे, पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब नेक्स्ट लाइन हमारी, ये जो लाइन बनी थी लास्ट रो, इसको हम रिपीट करेंगे, टू चेन्स, टू डबल क्रोशे, टू चेन्स, टू डबल क्रोशे, इसी को हम रिपीट करेंगे अब
इसी के बीच से ऐसे लास्ट तक हम ऐसे कर लेंगे। मैंने ये अपनी लास्ट रो भी कंप्लीट कर ली है, टू चेन्स टू डबल क्रोशे की, आप देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू होगा। उसमें क्या होगा कि हमने इस वाले रो में अपना ट्री बनाया था, अब हम इसके ऊपर ट्री बनाएंगे और इसको प्लेन कर देंगे इसके जैसे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक ट्री हमारा इस रो में बना, अब सेकंड ट्री हमारा इस रो में बनेगा और इसको हम प्लेन लेते जाएंगे ऊपर की, जैसे मैंने इसमें बनाया है। देखिए ये हमारा बिल्कुल प्लेन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने ट्री बनाया, पहले ट्री इसके ऊपर बनाया और फिर ये ऊपर जाकर बिल्कुल प्लेन हो गया। ऐसे ही हम पूरे डिज़ाइंस को रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ पर टू चेन्स लेंगे, ये हमारा ट्री वाली लाइन है तो हम इसके ऊपर सिर्फ टू डबल क्रोशे बनाएंगे और अब बिना चेन डाले हम इससे फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसे पसंद आया है वो लाइक करें। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैंने खूब कोशिश की अच्छे से बताने की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ, ये डिज़ाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कैसे बनाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।